हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रोस्टेड चिकन। आई एम प्रियाशा एंड यू आर वाचिंग नम नम हेडोनिस्ट। सो कैन वी जस्ट स्लो डाउन, द ओनली थिंग आई डू इज ले हियर नेक्स्ट टू यू। वी नीड टू स्लो। 24th मार्च 2020, ये डेट तो आप सभी को याद है और जिनको याद नहीं उनको याद दिला देते हैं। हाँ, यही डेट पे इंडिया वेंट नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर नोबेल कोरोना वायरस कोविड-19। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा ये है जनता कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। ड्यूरिंग सो मेनी मंथ सिंस देन हम सब ने इस पैंडेमिक के अगेंस्ट कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला किया। वैक्सीनेशन के 2 डोज और फिर आया ओमिक्रॉन और उसके साथ बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीनेशन। इसके चलते लाखों मौत, अपनों को खोना, लॉकडाउन, बिजनेस में लॉस, लॉस ऑफ जॉब्स, ग्लोबली ह्यूमन रेस को जैसे एक जोड़ का धक्का दे दिया। मास्क में छुपा हर चेहरा आज भी रो रहा है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, आर्मी, इवन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर आम नागरिकों के साथ इस पैंडेमिक के अगेंस्ट फाइट किए जा रहे हैं। कॉमन इंसान से लेके बॉलीवुड, हॉलीवुड से लेके कई पॉलिटिकल लीडर्स, रिनाउंड डॉक्टर्स, पुलिसमैन हुए इस पैंडेमिक के शिकार और अपनी जान गंवा बैठे। और इन सब के चलते कहीं दूर पहाड़ों में एक प्रोफेसर ने निकाला इस पैंडेमिक का तोड़। जी हाँ, एक थी एकता और एकता जिंदा है जैसी हिट सीरीज को कामयाब बनाने के पीछे भी ये प्रोफेसर का हाथ तो बहुत पहले से ही रहा है। मगर इस बार प्रोफेसर इस पैंडेमिक का एकमात्र इलाज निकालने में हुए कामयाब। प्रोफेसर हिमालय में एक पहाड़ पे बर्फीले मंदिर का खोज किए और 2+2=4, इसके साथ 3+1=4 और 4+0=4 का मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए गूगल मैप को चकमा देते हुए पहुंच गए उन पहाड़ों में। वही उन्हें पता चला इस चाइनीज वायरस का एक ही इलाज है, नागिन। प्रोफेसर के मुताबिक नागिन जो इच्छाधारी है वो देशभक्ति का मिसाल है और नागिन से बढ़ के इस दुनिया में और कोई देशभक्त नहीं है। अब नाग और नागिन का जो एक प्रथा है स्टोरी बुक्स में, मिथ्स और पुराणों में, जैसे हम सब ने पढ़ा है, सुना है, नाग नागिन बदला लेने के लिए मशहूर है। वो अपने शत्रुओं को डस देते हैं जो पानी भी नहीं मांगते। अब पानी के जगह बियर मांगोगे तो कैसे चलेगा दीदी? मगर नागिन 6 या फिर आसान शब्दों में छठा नागिन का कोई दुश्मन नहीं है। नागिन पर्सनल एजेंडा साइड में रखते हुए देशभक्ति का गाना बिन पे सुनी। और इधर ये प्रोफेसर देश के कोने कोने से सपेरों के झुंड बुलाए, जो माइकल जैक्सन, किशोर जी, लता जी, मोहम्मद रफी जी, इवन एआर रहमान सर और अरिजीत सिंह को भी पीछे छोड़ते हुए म्यूजिक में महारत हासिल कर लिए। तानसेन को भी मात देते हुए वंदे मातरम अपनी बिन पे फुल म्यूजिक अरेंजमेंट के साथ बजाया और नागिन के दिल में छुपी देशभक्ति को जगाकर इन पापी वायरस स्मगलर्स को डसने पे मजबूर कर दिया। जहां नोबेल कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं हर स्टेट के सीएम, पीएम, राष्ट्रपति जी और दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए प्रोफेसर और एकता जी ये खुशखबरी लाए। इसी बीच रोहित शेट्टी हुए नाराज और तेजस्वी प्रकाश को अपने हर शो से निकल बाहर किया। वही तेजस्वी अपनी क्यूट सी डर्म सी हरकतों के वजह से बिग बॉस जीत ली और फिर नौकरी के तलाश में नागिन के इस जबरदस्त बदले की जर्नी में जबरदस्ती घुस गई। अभी क्या नागिन, प्रोफेसर और एक थी एकता जी
हमारे चेहरे से मास्क उतार पाएंगे? फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए 8 में से एक एपिसोड देखा मैंने, वो भी 7 बार पॉज करके। 2 दिन लगाया इंटरेस्ट को जगाने में और अपनी दिमाग, कान और आंखों को सैनिटाइज करने में। बाकी के स्टोरी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब तो कर दो यार। टाटा।